ठीक है, हम लोग एक ऐसे यूनिक गणपति थीम पर आए हुए हैं जो कि पूरा डिज़ाइन किया गया है वाराणसी थीम के ऊपर। ये देख सकते हो यहाँ पर सामने गणपति जी विराजमान है। ये पूरा जो वाराणसी के घाट्स रहते हैं वो यहाँ पर पूरा डिज़ाइन किया गया है। और ये देखो यहाँ पर जो घर जैसे होते हैं वाराणसी में, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर उनके मॉडल्स बनाए हुए हैं। और देखो गणपति जी उनका कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया है कि वो रिवर क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं। वैसे कुछ देखो यहाँ पर चीज़ें बनाई गई है, आपको काफ़ी सारे माउस यहाँ पर दिखने मिलेंगे। वैसे रियल वर्ल्ड में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके बदले यहाँ पर माउस रखे गए हैं, उसकी स्टोरी है ना हम आगे जानेंगे। और यहाँ पर देखो काफी सारी बोट्स आपको दिखाई देंगी जो कि रिवर क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है। आपने ये जो पूरा वाराणसी का और से नो टू प्लास्टिक का पूरा थीम देगा उसको बनाया यहाँ पर फ्रैंकलिन पॉल ने। ये वाराणसी का थीम बनाने के पीछे आपका क्या रीजन था? द मेन रीजन वाज कि लाइक आज के रिसर्च न्यू फाइंड आउट से पता चला है कि लाइक ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी कंटेन माइक्रो प्लास्टिक। ओके, तो वी आर हियर टू अवेयर अबाउट प्लास्टिक। हमारा मेन जो टॉपिक है कि लाइक इट इज रिगार्डिंग नो पॉल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। तो हमने देखा है कि जैसे गंगा पॉल्यूटेड है, इट इज द मेन वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, तो उसके रीजन हेल्थ इश्यूज है, वो सब प्रॉब्लम हो रहे, तो वी शुड बी अवेयर एंड अपन जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व कर। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे माउस यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है इतने सारे? तो मेन वही है गणपति बोले कि मोशन मोशन का जो रोल प्ले है गणपति के साथ में, तो हमने फन कैरेक्टर्स इधर दिखाने की कोशिश की है इस पर। और मेन वही होता है कि हमारा जो वाव फैक्टर है जो हमें घर डेकोरेशन में हमारे हर साल दिखाते हैं, वही प्रेजेंटेबल करते हैं कि लाइक गणपति और मोशक का जो वर्ल्ड है वो कैसा यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो सबसे हमने ये प्रेजेंट किया। तो ये पूरा थीम बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? हम लोग को लगभग एक महीने से डेढ़ महीने के आसपास। ओके ओके, तो क्या आपने अकेले बनाया या आपकी पूरी टीम है इसके पीछे? मेरी टीम और मेरे फ्रेंड्स फैमिली ओके सपोर्ट से किया। और ये भी मैं कुछ देख रहा हूँ, ये क्या चीजें है यहाँ पर? बेसिकली ये प्लास्टिक फिशर करके कंपनी है, तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव हेल्प के लिए आई है। ओके, तो दे आर मेजरली हेल्पिंग आउट टू क्लीन दिस मेजर रिवर्स एंड एवरीथिंग। ओके ओके ओके, तो उनको हमने पोर्ट्रेट किया एज एन थैंक्स गिविंग। ओके, उनको प्रेजेंट किया है। ओके ओके, और मैं काफी सारी बोट्स भी देख रहा हूँ, ये क्या क्लीनिंग बोट्स? क्या यहाँ पर जो रोल्स प्ले है जैसा क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, तो उसको भी हमने डेकोरेशन में प्रेजेंट किया, दिखाने की कोशिश की कि कैसे काम हो रहा है, कैसे क्लीनिंग हो रहा है, तो वो सब चीज का हमने रोल प्ले प्रेजेंट। जो अपने गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर बिठाई है वो क्या आपने क्या फिर पर्टिकुलर आप उसके हिसाब से मूर्ति भी डिजाइन करवाते हो? हाँ, बेसिकली जैसे टॉपिक रिलेटेड होता है तो उसकी जो कैरेक्टर्स है वो सब हम डिसाइड करते हैं, वर्क करते हैं, और वो हिसाब से हम लोग मूर्ति का एक फाइनल करके ये करते। तो यहाँ पर मतलब आपके कितने दिन के लिए गणपति जी विराजमान रहते हैं? हमारे 21 डेज के लिए। आपका लोकेशन क्या है यहाँ पर? वैसे यहाँ पर अपने साइन प्रतीक्षा नगर में लोकेटेड है, आशीर्वाद बिल्डिंग L4A विंग रूम नंबर 603। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, और काफी अच्छा लगा आपका ये थीम देखकर।